राजस्थान के सभी टोल प्लाजा कल से होंगे टोल फ्री, जाने क्या है वजह। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन राजस्थान में भी जोर पकड़े हुए है। इसी क्रम में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को और गति देते हुए 4 दिन के कार्यक्रमों की घोषणा की है। आगामी रूपरेखा के तहत कल से राजस्थान के सभी टोल नाकों को टोल मुक्त किया जाना तय हुआ है। इनके अलावा पुलवामा शहीदों की याद में कैंडल मार्च किसान नेता सर छोटू राम जयंती पर किसान एकजुटता कार्यक्रम और रेले रोककर प्रदर्शन भी शामिल किए गए हैं। मोर्चा ने भले ही संपूर्ण राजस्थान में कल से टोल नाकों को टोल मुक्त करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन पदाधिकारियों का कहना है कि शुरुआती चरण में प्रदेश को किसान बहुत क्षेत्रों से जुटे टोल नाकों को टोल मुक्त करवाने की कवायद की जाएगी। मोर्चा से जुड़े राजस्थान के किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि कल से सीकर, गंगानर और हनुमानगढ़ सहित अन्य किसान बहुल क्षेत्रों में बने टोल नाकों को मुक्त किए जाने की कोशिश रहेगी। किसान नेता हिम्मत सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। नाकों पर पहुंचकर आंदोलनकारी किसान सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से टोल नाकों को टोल फ्री किए जाने की कोशिश करेंगे। जबरन टोल नाकों को टोल मुक्त नहीं किया जाएगा। किसान नेता हिम्मत सिंह ने बताया कि शाहजहांपुरा बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में राजस्थान के विभिन्न संगठनों के किसान नेता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद है। इन सभी संगठनों और नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर टोल नाकों को टोल मुक्त करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि शुरुआती चरण में कुछ नाकों को टोल मुक्त किया जाएगा, जबकि शेष नाकों पर धरना प्रदर्शन कर कृषि कानून का विरोध किया जाएगा। इस बीच किसान आंदोलन को समर्थन देने की अपील और समझाइश भी लोगों से की जाएगी। 12 फरवरी राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च व मशाल जुलूस व अन्य कार्यक्रम। 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।